गाइस अगर तुम भी एक न्यू पीसी प्लेयर हो या फिर काफी टाइम से फ्री फायर को खेल रहे हो पीसी पे, तो अगर तुम्हारे भी जॉयस्टिक की प्रॉब्लम आ रही है या फिर तुम्हारा भी एम स्टक हो रहा है, तो ये वीडियो भाई तुम्हारे लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो पे मैं तुम्हें कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे तुम लोग अपनी जॉयस्टिक की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो, कैसे अपने एम स्टक को फिक्स कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने जो भी पॉसिबल सेटिंग्स है गाइस जॉयस्टिक को फिक्स करने की, वो मैंने सब इस वीडियो पे बताई हुई है। और एंड में मैंने एक ट्रिक बताई हुई है जिससे तुम इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो, काफी इफेक्टिव ट्रिक है, मैं भी उसको पर्सनली यूज करता हूँ, तो एंड तक देखना वीडियो को। अभी चलते हैं अपने एमुलेटर पे। सो गाइस सबसे पहले तुम्हें अपने कोई भी एमुलेटर पे आ जाना है। मैं यहाँ पर ब्लूस्टेक 5 पे सेटिंग्स बता रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर ब्लूस्टेक 4 MSI किसी में भी इसको कर सकते हो। तो तुम्हें यहाँ पर जाना है कंट्रोल्स पे और यहाँ पर कस्टम HUD पे तुम्हें चले जाना है। कस्टम HUD पे गाइस दो सेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला यहाँ पर फायर बटन और उसकी लोकेशन, दूसरा यहाँ पर जॉयस्टिक की साइज़ और उसकी लोकेशन, ठीक है। तो ये दो सेटिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका। यहाँ पर अगर तुम इसको परफेक्ट जगह पे इसको रखते हो तो तुम्हारी जॉयस्टिक की प्रॉब्लम तो भाई आधी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब बहुत से यूट्यूबर्स ने बताया होगा कि अपनी जॉयस्टिक को इधर कॉर्नर पे रखो, इधर लेफ्ट के कॉर्नर पे, कोई बोलता है कि इसको टॉप पे रखो, कोई बोलता है इसको सेंटर पे, कहीं पे भी रख दो। अब गाइस यहाँ पर मैंने ये सभी चीज़ें ट्राई करी थी जब स्टार्टिंग में मैंने खेला था, तो इससे मेरी जॉयस्टिक की प्रॉब्लम भाई बिल्कुल भी फिक्स नहीं हुई थी। तो मैं यहाँ पर कौन सी ट्रिक मैंने खुद ये इन्वेंट किया था, मतलब मैं पिछले 1-1.5 साल से यहीं पर रख के खेल रहा हूँ अपनी जॉयस्टिक को। तुम लोग भी भाई इसको ट्राई करो, अगर तुम्हारी भी फिक्स हो सकता है तो काफ़ी बढ़िया बात है। तुम्हें अपने कंट्रोल्स में जो तुम्हारा यहाँ पर करेक्टर है, करेक्टर के हेड के थोड़ा सा लेफ्ट साइड तुम्हें रखनी है अपनी जॉयस्टिक को। और यहाँ पर तुम लोग एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो तुम्हारा लेफ्ट साइड है ना, तुम्हारा कंट्रोल्स में जो तुम्हारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे तुम्हें बहुत कम कीज़ रखनी है, बहुत कम कस्टम HUD रखनी है, मतलब बहुत कम कंट्रोल्स रखने हैं। तुम यहाँ पर देख सकते हो मैंने सारे जो अपने कंट्रोल्स हैं वो भाई लेफ्ट राइट साइड पर रखे हुए हैं, लेफ्ट पे बहुत कम है। मेरी एक जॉयस्टिक है और एक बैकपैक और मेडिकेट और एक स्प्रिंट का बटन है बस, बाकी सारे के सारे मेरे यहाँ पर राइट साइड पे है। तो तुम्हें भी यही करना है गाइस, तुम्हें भी अपने जो लेफ्ट साइड है उस पर बहुत कम कीज़ रखनी है। अभी हम लोग यहाँ पर तुम्हें की मैपिंग पे मैं कुछ बताता हूँ। की मैपिंग पे भी तुम लोग देख सकते हो भाई यहाँ पर लेफ्ट साइड पे बहुत कम कीज़ हैं एज कम्पेयर टू राइट साइड। राइट साइड पे बहुत ज़्यादा कीज़ हैं क्योंकि लेफ्ट साइड पे भाई तुम्हारी जॉयस्टिक होती है, इसीलिए यहाँ पर लेफ्ट साइड पे तुम्हें कम कीज़ रखनी है, ठीक है। अभी तुम लोगों को अपने जॉयस्टिक पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पर रेडियस का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। रेडियस तुम्हें यहाँ पर सबसे स्मॉल में एक बार 2 पे रखता हूँ उसको, तो इससे क्या होता है तुम्हारा जो जॉयस्टिक का साइज़ है वो यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज होता है। इसको तुम लोग यार यहाँ पर कुछ लोग बताते हैं कि इसको सबसे स्मॉल रखो। सबसे स्मॉल रखने के कुछ डिसएडवांटेज है गाइस, सबसे स्मॉल रखोगे ना तुम लोग तो जब भी तुम अपने गेम पे जाओगे तो तुम जो व्हीकल का ऑप्शन होता है गाइस, व्हीकल अगर तुम लोग बैक नहीं कर पाओगे, ठीक है, अपनी जो गाड़ी होती है गाड़ी को तुम लोग बैक नहीं कर पाओगे तो ये प्रॉब्लम आती है स्मॉल जो यहाँ पर जॉयस्टिक रखने की। तो इसकी सबसे बेस्ट यहाँ पर साइज़ है 9 पे, ठीक है, 9 इसकी सबसे बेस्ट साइज़ है, वो यहाँ पर तुम लोग रखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका साइज़ तुम्हें 9 पे रखना है, रेडियस जो होता है उसको 9 पे रख देना। अगेन इस पर राइट क्लिक करना है तुम्हें। और इसके अलावा इसमें बहुत 2-3 सेटिंग्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्पीड है और उसके बाद है एक्टिवेशन टाइम और उसके बाद है एक्टिवेशन स्पीड। ये 3 सेटिंग गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं भी इसको पर्सनली भाई मैंने अपनी की मैपिंग वाली वीडियो में बताया हुआ है। तो सबसे पहले तुम्हें स्पीड रखनी है 1000 पे और एक्टिवेशन टाइम रखना है 50 पर और एक्टिवेशन स्पीड रखनी है वो रखनी है यहाँ पर 100 पे। कैसे अगर तुम लोग इसको रखते हो ना तो तुम्हारी जॉयस्टिक भाई एकदम मक्खन की तरह वर्क करेगी, तुम्हारा भाई फुल कंट्रोल होगा तुम्हारी जॉयस्टिक पे, तो इसको ज़रूर से रख लेना है, ठीक है तुम्हें। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पर फायर बटन पे। फायर बटन पे जो की है उसको तुम्हें यहाँ पर कभी भी सेंटर पे नहीं रखना है, इससे क्या होगा तुम्हारा जो फायर बटन है वो स्टक हो जाएगा। तो और यहाँ पर कुछ बॉटम पे भी नहीं रखना है तुम्हें, यहाँ पर इसको टॉप पे रखना है। टॉप पे तुम यहाँ पर इसको लेफ्ट पे भी रख सकते हो फिर राइट पे भी रख सकते हो। मैंने इससे पहले लेफ्ट पे रखा था, अभी मैं इसको राइट पे सेट कर देता हूँ यहाँ पर इस वीडियो के लिए। तुम्हें यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करना गाइस। टॉप पे तुम लोग देख सकते हो स्टार्ट एंड स्टॉप का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। ये बेसिकली होता है तुम्हारा माउस लॉक अनलॉक, जो तुम्हारा माउस का कर्सर आता है तुम्हारे गेम पे वो यहाँ पर ये की होती है। तो यहाँ पर मैंने इसको ई वाली की पे रखा हुआ है। बहुत से बंदों का ये F1 होता है, किसी का ये कंट्रोल्स पे होता है, तो यहाँ पर तुम लोग इसको कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पर ये ई वाली की पे रखा हुआ है क्योंकि ये मेरे हैंड के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा हुआ है, ठीक है। और जो गाइस जो की तुम यहाँ पर स्टार्ट एंड स्टॉप में रखोगे वही सेम की तुम्हें यहाँ पर सस्पेंड वाली की पे भी रखनी है। ये तुम याद रखना भाई, ये दोनों ही तुम्हें सेम की रखनी है। अगर तुमने स्टार्ट एंड स्टॉप पे जो भी की रखी है वही तुम्हें सस्पेंड पे भी रखनी है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ पे एक्स एंड वाई जो डिफ़ॉल्ट दी होती है वही रखनी है, और ये एक्स और वाई सेंसिविटी ये तुम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। और अगर बात करते हैं ट्वीक्स की, तो भाई ट्वीक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि यार जॉयस्टिक प्रॉब्लम में ट्वीक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस तुम लोग यार कुछ भी अनाप शनाप ट्वीक्स रख देते हो, बट ऐसा नहीं करना है तुम्हें भाई। एक जेन्युइन ट्वीक्स है यहाँ पर 16450, फ्री फायर की सबसे बेस्ट ट्वीक्स है यहाँ पर पीसी के लिए 16450। ये सबसे स्टेबल ट्वीक्स है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर काफ़ी ऑप्टिमाइज ट्वीक्स है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारी ट्वीक्स हैं जिसमें हेडशॉट काफ़ी बढ़िया लगते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं यार कुछ प्रॉब्लम्स होती है
जो यहाँ पर तुम्हारे गेम को डिसबैलेंस करती हैं। तो यहाँ पर 16450 का सबसे बेस्ट वीक है भाई, इसी पे खेलो, इसी पे अपनी सेटिंग बनाओ, काफ़ी बढ़िया रहेगा, ठीक है। बाकी गाइस की मैपिंग पे सब इतना ही है। अगर मेरी की मैपिंग चाहिए तो भाई लोग यहाँ पर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से तुम लोग डाउनलोड कर लेना मेरी की मैपिंग की फाइल को। अभी गाइस देखो की मैपिंग पे इतना ही था। अभी तुम लोग को अपने एमुलेटर पे सिस्टम एप्स पे जो सेटिंग वाला ऑप्शन होता है इस पे जाना है और इसे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर तुम्हें जाना है एक्सेसिबिलिटी पे। इस पर क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पर तुम लोग को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन देखो मिलता है क्लिक आफ्टर पॉइंटर स्टॉप्स मूविंग, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये तुम्हारा ऑफ होगा, इसको तुम्हें ऑन करना है और जो भी यहाँ पर स्लाइडर देखने को मिल रहा है इसको सबसे फर्स्ट पे ले आना है, ठीक है। जीरो पे रख देना है, कुछ इस तरह पे इसको रख देना है, फिर बैक करना है और यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिलता है गाइस। हाँ, एक लार्ज माउस पॉइंटर होता है, इसको ऑफ करने को बोलते हैं कुछ लोग, बट मैंने इसको ऑन किया हुआ है, कोई मुझे ज़्यादा फर्क तो देखने को नहीं मिला, बट ये मेरा ऑन है। इसके अलावा तुम्हें जाना है यहाँ पर टच एंड होल्ड डिले पे, ये तुम्हें शॉर्ट पे रखना है और इससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी तुम्हारी। सो गाइस यहाँ पर एमुलेटर सेटिंग में तो इतना ही था, इसके अलावा कोई भी और सेटिंग नहीं है जिससे तुम अपनी जॉयस्टिक की प्रॉब्लम को फिक्स कर सको। एमुलेटर सेटिंग पे भी यहाँ पर कोई भी सेटिंग नहीं है यार, अगर होती तो मैं तुम्हें जरूर बताता। तो यहाँ पर फोन वाले ऑप्शन पे आना है और फोन वाले ऑप्शन पे तुम्हें आसूस ROG 2 रख लेना है। मैंने कुछ दिन पहले भाई इसमें सैमसंग S21 अल्ट्रा रखा था, जो कि भाई जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी मेरी, जैसे कि लैग हो रहा था, थोड़ा सा FPS ड्रॉप हो रहे थे, तो आसूस ROG 2 सबसे बेस्ट है यहाँ पर फोन पे। उसके अलावा गाइस यहाँ पर देखो जो भी एमुलेटर की सेटिंग्स थी वो मैंने तुम्हें बता दी है। इसके अलावा तुम्हें यहाँ पर माउस सेटिंग सर्च करना है सर्च बार पे और यहाँ पर माउस सेटिंग पे चले आना है। तुम्हें जाना है यहाँ पर एडिशनल माउस ऑप्शन पे, उसके बाद तुम्हें यहाँ पर जो डबल क्लिक स्पीड है ये सब जो तुम्हें डिफॉल्ट दी होती है वही रखनी है। उसके अलावा जो मेन सेटिंग है पॉइंटर ऑप्शन की, ये तुम्हें रखनी है। कैसे देखो पॉइंटर ऑप्शन बेसिकली ये वर्क करता है, जो तुम्हारा ये पॉइंटर होता है ना, माउस का कर्सर होता है, इसकी स्पीड पे मैटर करता है, ठीक है। अगर तुम इसको फास्ट रखोगे तो तुम्हारा पॉइंटर स्पीड फास्ट हो जाएगी, अगर स्लो रखोगे तो भाई स्लो हो जाती है। सबसे बेस्ट इसकी वैल्यू है वो है 6 नंबर पे, ठीक है, 6 नंबर पे इसको रखो। और नीचे एक ऑप्शन देखो मिलता है इनहेंस पॉइंटर प्रिसीजन का, ये भाई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है भाई, तुम्हारी जॉयस्टिक में सबसे मेन फैक्टर है, यहाँ पर तुम्हारी जॉयस्टिक प्रॉब्लम में सबसे मेन फैक्टर है ये। तो इनहेंस पॉइंटर प्रिसीजन अगर तुम्हारा ऑन है तो इसको ऑफ रखना, अगर न्यू PC प्लेयर हो तो भाई ये ऑन होता है तो इसको ऑफ कर देना है, ठीक है, इनहेंस प्रिसीजन को ऑफ कर देना है। उसके अलावा तुम्हें सर्च करना है गाइस कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल पे भी एक सेटिंग है जो कि तुम्हारी जॉयस्टिक मतलब जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम आ सकती है। कंट्रोल पैनल में एस ऑफ एक्सेस पे जाना, फिर एस ऑफ एक्सेस सेंटर, फिर माउस सेटिंग और यहाँ पर सेटअप माउस कीज, दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे टॉप स्पीड और एक्सेलरेशन का, ये दोनों ही तुम्हें भाई जीरो पे रख देना है। और ट्रस्ट मी गाइस मैंने इन दोनों को ही भाई फुल पे रख के खेला हुआ है, मीडियम पे रख के भी खेला हुआ है, तो दोनों में मुझे भाई प्रॉब्लम देखने को मिली थी मीडियम पे। अगर फुल हाई पे रखते हो तो भाई जॉयस्टिक तुम्हारी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिससे तुम्हारे जॉयस्टिक आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको भाई तुम्हें सबसे लो पे रख देना है, दोनों को ही स्टार्टिंग में रख देना है 0-0 पे और ओके करके इसको भी अप्लाई कर देना है। सो गाइस यहाँ पर यही कुछ सेटिंग्स थी जिससे तुम अपनी जॉयस्टिक की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो, ये जो पॉसिबल सेटिंग्स थी जो मैंने तुम्हें यहाँ पर बताई है। इसके अलावा एक दो सेटिंग्स और हैं, उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा बहुत ही जल्द, जिसमें तुम्हारी जो सेंसिटिविटी होती है वो इंक्रीज होती है, एक्सेलरेशन होता है, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बहुत जल्द लाऊंगा। बाकी यही कुछ सेटिंग्स थी। इसके अलावा एक ट्रिक है जिससे तुम अपनी जॉयस्टिक की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो, वो कौन सी वो ट्रिक है वो मैं तुम्हें अभी यहाँ पर ट्रेनिंग में जाके बताता हूँ। काफ़ी भाई एकदम जेन्युइन ट्रिक है और भाई बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक है यार, मैं पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पर तुम लोग को सबसे पहले ना अपने यहाँ पर मेरे देख सकते हो, अगर तुमने मेरी जो सेटिंग में तुमको बताई है अगर तुम लोग इसको ट्राई करा होगा तो तुम्हारी भी जॉयस्टिक प्रॉब्लम भाई बहुत हद तक फिक्स हो गई होगी, ठीक है। जो भी मैंने तुमको यहाँ पर सेटिंग बताई है अभी पिछले, तो तुम्हारे अगर तुमने उसको ट्राई किया होगा तो तुम्हारी जो सेटिंग्स है मतलब तुम्हारी जो जॉयस्टिक प्रॉब्लम है वो आधी से ज़्यादा फिक्स हो गई होगी। इसके अलावा गाइस कभी कभी तुम्हारी जॉयस्टिक की प्रॉब्लम आएगी, मेरी भी आती है भाई और हर किसी PC प्लेयर के आती है वो। अगर तुम्हारे कभी भी जॉयस्टिक की प्रॉब्लम आती है तो तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा जो पॉइंटर होता है, जो पॉइंटर होता है माउस का लॉक अनलॉक का, इसको भाई तुम्हें सबसे पहले अनलॉक करना है पॉइंटर को। अनलॉक करने के बाद अपनी स्क्रीन पे कहीं पर भी स्क्रीन पे दो बार टैप करना है, दो बार क्लिक करना है, उसके बाद इसको भाई अनलॉक कर देना है तुम्हें। और उसके बाद तुम लोग अपने गेम पे देखोगे तो भाई तुम्हारी जॉयस्टिक की प्रॉब्लम फिर से गायब हो जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है गाइस, तुम्हें भी ऐसा करना है, जब भी तुम्हें लगे तुम्हारी जॉयस्टिक की प्रॉब्लम आ रही है तो तुम लोग को अपने माउस को अनलॉक करना है और कहीं पर भी स्क्रीन पर दो बार टैप करना है, दो बार क्लिक करना है, फिर उसको अनलॉक कर देना है और फिर तुम लोग देखोगे तो भाई तुम्हारी जॉयस्टिक की प्रॉब्लम भाई कंप्लीटली फिक्स हो जाएगी। तो काफ़ी बढ़िया ट्रिक है, एक बार उसे इसको ट्राई करना भाई, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, मैं उसको पर्सनली खुद ट्राई करता हूँ और मैं तो मैं भी बोलूँगा भाई बस उसको जरूर से इसको ट्राई करना। सो ये था इस वीडियो पे, आई होप गाइस तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।